आज हम लोग डिटेल से देखेंगे कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन से इसके एडवांटेजेस हैं, क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाए गए थे जावास्क्रिप्ट में। हमें पता है कि हम प्रोमिसेस से पहले जो है यूज़ कर रहे थे कॉल बैक्स को। कॉल बैक क्या करता है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो आगे से मे बी किसी तीसरे को फंक्शन को कॉल कर रहा, या हो सकता है बल्क अमाउंट ऑफ के फंक्शंस एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हो, और इस तरह से बहुत बड़ी चेन बन जाती और कोड हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये होता था कि अगर हम डाटा फेच करा रहे होते थे कॉल बैक्स के थ्रू, तो मे बी कोई और कोई एक फंक्शन बीच में से अगर करप्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पूरी की पूरी हमारी फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाती थी। इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस बनाए गए थे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कॉल बैक को देखते हैं, उसका प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर जाते हैं प्रोमिसेस को फिर अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक सपोज हम वेंडिंग मशीन बना रहे हैं, एक मेक टी की हमने जो है यहाँ पे ट्राई की है एक बनाने की वेंडिंग मशीन। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जनाब है मेक टी का एक फंक्शन, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है जो कॉल कर रहा है बॉयल वाटर को। वो आगे से एक कॉल बैक ले रहा है, और कॉल बैक में वो ले रहा है स्टीप टी को, स्टीप टी आगे से कॉल बैक ले रहा है पोर टी को, पोर टी आगे से इंजॉय टी को या कॉल बैक के तौर पे ले रहा है। और इस तरह से हमारे इस एक मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है, आगे से दूसरा दूसरे को कर रहा है, और ये इस तरीके से हमारी एक चेन बन गई पूरी कॉल बैक्स की। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्राउज़र में देखते हैं कि हमें एक्चुअली ये किस तरह से नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस को जो है दिखाने की कोशिश की है। अब मेक टी का बटन हमारे यूज़र ने प्रेस किया, अब हमारी मशीन से वो चाय बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके पास बॉयल वाटर की फैसिलिटी आई, फिर टी बैग्स आ गए, फिर कप ऑफ टी प्रिपेयर होकर आ गया, और उसके बाद इंजॉय टी का हमारे ये मैसेज जो है उसके सामने प्रिंट हो गया। अब सपोज सपोज हम ये टी बैग वाला हमारा फंक्शन किसी वजह से काम नहीं करता, तो क्या होगा? हमारे यूज़र को फिर बॉयल वाटर और उसके बाद डायरेक्ट कप में, ठीक है, यानी गर्म पानी मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये होता है कॉल बैक्स के फॉर्म में कि अगर बीच में कोई भी एक फंक्शन हमारा काम नहीं करता, तो हमारी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी हो जाती थी गड़बड़। तो उसके हल के लिए हमारे पास प्रॉमिसेस आए। तो अब देखते हैं कि प्रॉमिस हमारा ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं कोई भी, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं न्यू प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू, और प्रॉमिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया एक मेन, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल के अंदर आ रही है इसकी सारी फंक्शनैलिटी। हमने क्या किया, कोई एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज़ किया, प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, और ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर हमें दो फंक्शंस देता है, एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट। नाम मैटर नहीं करते, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, काम उसका मैटर करता है। रिजॉल्व क्या होगा, ये तब कॉल होगा हमारा जब हमारा सक्सेसफुल जो है हम अगर सपोज डाटा फेच करें, तो अगर हमें डाटा मिल जाता है तो रिजॉल्व का फंक्शन कॉल होगा, और अगर नहीं मिलता तो रिजेक्ट का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम इसको सिंपली एक करा रहे हैं कि अगर ये ट्रू है, यानी रिजॉल्व हमें अगर डाटा मिले इट मीन्स कि ट्रू वर्क करे, तो रिजॉल्व में मैसेज दे दे सक्सेस का, और अगर डाटा नहीं मिला एल्स पार्ट में आ गया तो यहाँ पे हमें दे दे रिजेक्ट का। तो हमें ये पता चल गया कि प्रॉमिस हमारा ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर रहा है कि जो हम वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, हमने कहा था हमारा टी बैग वाला फंक्शन अगर कॉल नहीं हो तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होना था, यानी वो फंक्शन नहीं कॉल हुआ, सो नहीं कॉल हुआ, हमारी ऐप क्रैश होती है या हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, जो भी हो गया सो हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्ट के फॉर्म में अगर हमारा ये नहीं कॉल होता तो हमारी ऐप क्रैश नहीं करेगी, और रिजेक्ट में वो हमारे पास मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। एक तो हमें ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो प्रोमिसेस के फॉर्म में होती है, यहाँ पे हम देन का जो है पूरी के पूरी एक चेन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये देन क्या करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो हमारे पास जो भी यहाँ से डाटा आएगा वो डाटा देन वो प्रॉमिस अपने पास होल्ड करता है, ठीक है। और अगर हम उसकी देन में उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हमें एज इट इज़ यहाँ पे वो डाटा मिल रहा होता है। यहाँ पे जैसे अगर हमने ये ट्रू किया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास रिजॉल्व चलना चाहिए। जब रिजॉल्व चलेगा तो इधर मैसेज में हमें क्या मिलना चाहिए, ये सक्सेस लिखा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि हम यही दावा कर रहे हैं ना कि हमारा जो भी जो डाटा होगा
वो उसको होल्ड करता है और देन में हम उसको ले सकते हैं। अब अभी शायद आपको इतना ये यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको ये सोचें कि आप कहीं से डाटा फेच करा रहे हैं, फिर देन में हम उसको रिसीव कर रहे हैं और मे बी उस डाटा के ऊपर हम और कुछ ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, उसके को फॉर्मेट चेंज करना है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो देन के फॉर्म में हमारे पास वो पूरे का पूरा डाटा होगा। नॉर्मली क्या हम लेके उसको डॉट जेसन फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रिंगीफाई करते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं, एक डॉट देन में हमें मिल गया, हम इसको जेसन फॉर्मेट में कर दिया, उसके बाद डॉट देन अगले में हमने उसको स्ट्रिंगीफाई कर दिया, उसके बाद कुछ और कर दिया, उसके बाद कुछ और कर दिया। तो ये हमें फ़ायदा होता है प्रोमिसज़ का, एक तो ये कि हमारा रिजॉल्वर रिजेक्ट हो गया तो इस ऐप क्रैश नहीं करेगी, हमारा कोड जो है बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होगा, और दूसरा ये कि पूरे के पूरे डाटा भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको सिंपली हमें कंसोल करा के देख लेते हैं, तो ये इस मैसेज में क्या जाना चाहिए, अगर सक्सेसफुल हो तो यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए, और अगर हम इसको फॉल्स करा के देखें तो हमें यहाँ पे फेल्ड मिलना चाहिए। तो हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे सॉरी इसको चला के देखते हैं। किल करते हैं और इस वक्त हम टर्मिनल में जो है न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ पे, और फिर हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं जी नोड, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम जो है हमारे केस में प्रॉमिस है, हम इसको रन करते हैं और कंसोल कराते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, तो हमारे मैसेज में क्या मैसेज में देखिए कि यही डाटा आ रहा है, ठीक है, जो रिजॉल्व के केस में हमने यहाँ पे पास किया है सक्सेस, तो वो हमें मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे फॉल्स कंडीशन होती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम होता है और जहाँ पे रिजेक्ट नहीं हमारे चलना होता है, तो क्या हम उसको भी इस देन में रिसीव करेंगे? नहीं, उसके लिए फिर हमें प्रॉमिस ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम उसको कैच में यहाँ पे जो है अपने पास ले सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मेंशन करना है कैच, और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर एक कॉल बैक लेगा ये भी, ठीक है। इस कॉल बैक के अंदर हम एरर नाम आप कोई भी यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक रेलिवेंस के तौर पे यहाँ पे मैं एरर लिख रही हूँ। और यहाँ पे अब आप अगर हम इसको कंसोल करा के देखेंगे तो कंसोल लॉग करा लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम अपना ये पास कर देंगे एरर का जो हम पैरामीटर यहाँ पे हमने पास किया उसको एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो अब चूंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, यानी आप ये समझ लें कि आप कुछ चीज़ ले रहे थे या कुछ तो वो नहीं आ रही आपके पास, वट एवर द रीज़न इज़, तो तब ये कैच में आ जाएगा, आपको कंसोल पे यहाँ पे नज़र आएगा ये फेल्ड का ये मैसेज, यहाँ पे आपने जो कुछ भी दिया होगा रिजेक्ट के फॉर्म में, आपने जैसे भी इसको हैंडल किया होगा वो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें कंसोल पे आपको फेल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लाइक दिस। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि अब एक और इस तरह की एग्जांपल करते हैं कि जहाँ पे हम बाकायदा एक डाटा को फेच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमारे पास जब डाटा आता है तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसके किस तरह से वो काम करता है, ठीक है। हमने फेच करा लिया ये डाटा, आप चाहें तो यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी करा सकते हैं, अभी हम इसको सिंपली रख रहे हैं, ठीक है। हमने जेसन प्लेस होल्डर और डेपिक और स्लैश यूजर्स से ये यूजर्स का डाटा सपोज उठाने की कोशिश करें, ठीक है, ओके, ये अपन वापस हो गया। हमें ये पता है कि हमारे पास नेक्स्ट देन के अंदर वो डाटा मौजूद होगा, हमारा ये क्लेम है, ठीक है। तो हम इसको दे चेक करते हैं, हमने कहा कि डॉट देन और उसमें ले लिया रिस्पॉन्स, नाम बिल्कुल मैटर नहीं करता, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख लें, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स भी लिया और हमने कहा कि अब जो भी डाटा हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो हम यहाँ पे फेच करा रहे हैं, जो भी हमें डाटा यहाँ पे मिलेगा वो हम डॉट देन के अंदर यहाँ पे ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो रिटर्न में क्या करो उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज कर दो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम इसको कुछ और कराना चाहें तो हम वो भी करा सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देन में आप में से और कुछ नहीं, तो अगर आप बेशक कंसोल लॉग कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि अब आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कंसोल करा लेते हैं कि हमारा डाटा यहाँ पे डॉट जेसन फॉर्मेट पे जो किया है उसको यहाँ पे हमें कंसोल करा के दे दें, ठीक है। तो अब हम इसको अगर रन करने की कोशिश करते हैं तो इस ऊपर वाले को हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमने उसको रिजेक्शन दी है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, ओके, और फिर हम नेक्स्ट इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास इस एपीआई जो हमने कॉल की है,
इसके अंदर से पूरे के पूरे यूज़र के नेम, वेबसाइट, फ़ोन, ई नंबर, ईमेल और दिस दैट सब कुछ, पूरी की पूरी डिटेल जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट वन से स्टार्ट करके देना। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये। नहीं तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके पास। ठीक है, ये आई डी वन पे पड़ा हुआ है, लीन ग्राहम ब्रेड दिस दैट, ई मेल है, एड्रेस है, ये दिस 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 पहला, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगले यूज़र का, अगले यूज़र का। तो इस एपीआई पे जितनी भी यूज़र्स के नाम और जो डिटेल्स पड़ी हुई हैं वो सारी हमने यहाँ पे फेच कर ली है। तो हमें क्लियर हो गई कि हमने प्रोमिसज को किस तरह से यूज़ किया और वो हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। अब इस केस में हमने ये किया कि हमने सिर्फ एक एपीआई कॉल किया, ठीक है, एंड पॉइंट हमारा एक था, उसको हमने फेच कराया, डॉट देन के अंदर हमने उसको रिसीव किया, उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज किया और फिर हमने कंसोल लॉग करा के देख लिया। अब अगर क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन जब बड़ी होती है तो हम सिर्फ एक जगह से डाटा नहीं फेच कर रहे होते, मे बी हम यहाँ से अगर यूज़र ले रहे हैं तो नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि एक और साइड फेच कॉल कराएंगे और यूज़र के हम चाहेंगे कि सिर्फ नाम नहीं, डिटेल्स नहीं, साथ उसकी सपोज हम कोई इमेजेस भी यूज़र्स के डालना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कोई और एक फेच करा रहे हैं कहीं से डाटा और कुछ और फंक्शनैलिटी भी। यानी अगर तीन चार जगह से हमारे पास फेच होके आ रहा है डाटा तो फिर हमारा प्रॉमिस उसको किस तरह से हैंडल करेगा, क्या अरे फॉर्मेट में करेगा, क्या करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट आप ऐसा कीजिएगा कि ट्राई करके देखें इस कोड को और जस्ट प्ले अराउंड इट, मुख्तलिफ एपीआईज को कॉल करें, डाटा को अपने पास लेके आएँ, मुख्तलिफ फॉर्मेट में चेंज करके देखें, फिर हम बात करेंगे कि हम जो है अगर ऑल का मेथड क्या होता है प्रोमिसज में, और बहुत सारे फेच जब हमारे पास होते हैं तो वो उसको हम प्रोमिसज के थ्रू कैसे रिजॉल्व करते हैं। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मेथड रेस का मेथड है प्रोमिसज में, तो देखते हैं कि उस रेस में क्या होता है। टिल दैट अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Fearless.